कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवा से बहुत परेशान रहता था। कालू कौवा का बेटा राजू कौवा कोई भी काम नहीं करता था। वो हर समय परदेसी पंछियों के साथ बैठकर बीड़ी और शराब पीता और आवारा घूमता, इधर उधर सोया रहता और शाम होते ही घर आ जाता। आ गए तुम आवारा घूमकर। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कोई काम करना होगा और अपने लिए भोजन खुद ढूंढना होगा, घोंसला बनाना सीखना होगा। आखिर कब तक तुम हमारे सहारे पर जियोगे? बस बस कालू जी, अब बस करो। तुम देख नहीं सकते मेरे बेटे को, वो अभी बहुत छोटा है। वो जैसे जैसे बड़ा होगा सब सीख जाएगा। और अभी तो हम जिंदा हैं, हम लाकर देंगे अपने बेटे को भोजन और हम बनाएंगे उसके लिए घोंसला। मम्मा मम्मा, पापा मुझे घूर रहे हैं। राजू बेटा, तुम घूरने दो इसे, तुम जाओ जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। फिर राजू कौवा सो जाता है, तब कालू कहता है, बिगाड़ लो बिगाड़ लो, एक दिन आएगा जब तुम पछताओगी अपने किए पर। अभी तो मुझ में हिम्मत है, मैं हमेशा नहीं कमाऊंगा। संतान बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनती है। अगर अभी से ये कुछ सीखेगा तभी कल को हमारा पेट भर पाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो ये अपना पेट भी नहीं भर पाएगा तो हमारा क्या भरेगा। ये रोज की बातें हैं जो उन कौओं के घर में होती थीं। सारी बातें खत्म करने के बाद वो सब सो जाते हैं, सुबह भी हो जाती है। तब कालू कौवा अपने बेटे राजू कौवा से कहता है, देखो राजू, अगर तुम आज शाम को भोजन लेकर घर नहीं आए तो मैं तुम्हें घर नहीं आने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन पापा, मम्मा कहती है कि अभी मैं छोटा हूँ तो मैं भोजन कैसे ला पाऊंगा। खुद को बड़ा समझो, अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि तुम भोजन नहीं लेकर आ पाओगे। फिर जैसे ही राजू कौवा अपने घोंसले से बाहर निकलता है तो बाहर गोरी कौवा भी उसे एक थैली दे देती है। राजू बेटा, मैंने सब सुन लिया है, ये लो इस पोटली में भोजन है। जब शाम को तुम घर आओ तो इस पोटली में से अपने पापा को भोजन निकाल कर दे देना और उनसे कहना कि ये भोजन तुम ढूंढ कर लाए हो। मेरी प्यारी मम्मा, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। फिर राजू वो पोटली लेकर वहां से चला जाता है और पहाड़ों पर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां परदेसी पंछी भी आ जाता है। वो राजू के लिए तेज बीड़ी लेकर आया था। फिर वो दोनों बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीने के बाद राजू कहता है, यार मेरे पापा तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो तब मुझे समझाते रहते हैं, काम काम काम, हर समय मुझे काम करने की कहते रहते हैं। राजू तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे पापा भी हर समय मुझसे काम की कहते रहते हैं। एक मेरी मम्मा है कि मेरा साथ देती हैं। दोस्त अब मुझे जाना होगा, हम कल मिलेंगे। फिर राजू कौवा उस पोटली में से अनाज निकालकर अपने साथ लेकर घर की तरफ आता है और घर आकर वो अनाज अपने पापा को देते हुए कहता है, पापा पापा ये लो भोजन मैं ले आया। राजू ये भोजन तुमने कहाँ से ढूंढा है? पापा ये भोजन मैंने पहाड़ों से ढूंढा है ये भोजन मैंने। कालू कौवा अच्छे से जानता था कि इन दिनों गेहूं नहीं होते, ये वही गेहूं के दाने हैं जो वो बरसात से पहले खुद अपने घर लेकर आया था। राजू मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं सब जानता हूँ, समझे तुम। कालू कौवा ये कहकर बाहर निकल जाता है। वो अभी बहुत परेशान था क्योंकि अब वो पहले की तरह जवान नहीं रहा था। वो थोड़ा सा भी उड़कर बहुत थक जाता है
और अब उसे अपने बेटे से भी कोई उम्मीद ना थी। ठंडे मौसम में उड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है और वहां जाकर उससे कहता है, चिड़िया आज मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। मेरे पंख में सुबह से बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे कुछ दाने उधार लिए थे, शायद मैं वो तुम्हें वापस ना कर सकूं। मुझे माफ कर देना। कालू भैया, आपको क्या हुआ है? आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोस्त हैं और हम हमेशा एक दूसरे के मुश्किल समय में काम आए हैं, तो मैं कौन सा तुमसे दाने मांग रही हूँ? मैंने सारी जिंदगी काम किया, घर बनाया, बहुत मेहनत की, पर मैं अपने बेटे को समय ना दे सका, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे बिगाड़ कर रख दिया। अब ना तो वो कोई काम करता है और ना ही मेरा कहना मानता है। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए अब मुझे लगता है कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू भैया, आप इतनी परेशान क्यों होते हो? राजू समय के साथ साथ सब सीख जाएगा। कुछ दिनों बाद कालू कौवा मर जाता है। कालू कौवा के मरने पर चिड़िया, कबूतर और तोता उसके पास आते हैं और वो उसके मरने पर बहुत रो रहे थे। तब राजू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, अब भोजन कौन लाएगा? पापा तो मर गए। राजू की बात सुनकर गोरी को भी खामोश थी। मम्मा मम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, और वैसे भी अब तो पापा भी नहीं हैं जो मुझे डांटेंगे। आज तो मैं थोड़ा देर से ही घर आऊंगा। ये कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी को अभी तो रोए जा रही थी। अब वो बहुत पछता रही थी कि उस समय उसने अपने पति की बात ना मानी और अपने बेटे को बिगाड़ती रही, मगर अब रोने और पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। कालू जी, क्या देखा है आपने? रानू चिड़िया के खेत में गेहूं की फसल ऐसे लग रही है जैसे कि पूरे खेत में सोने की बालियां लगी हों, और एक हमारा खेत है कि ढूंढने से भी एक पोटली गेहूं नहीं दिखाई देते हैं। गोरी, तुम भी हर समय उस रानू चिड़िया के खिलाफ ही बातें करती रहती हो, भला तुम्हें क्या लेना देना उसकी फसल से? लेना देना क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि पूरे जंगल में सबसे ज्यादा फसल उसी की हो और वो पूरे जंगल में नाचती फिरे। तो फिर क्या करना है? करना क्या है, वो तो मैंने सोच रखा है, बस तुम आओ मेरे साथ। वो जो दूसरे जंगल में पहाड़ों पर उल्लू रहते हैं, वो मेरे जानने वाले हैं। मैं उनसे कह दूंगी कि वो आज रात उस छोटी चिड़िया की सारी फसल को खराब कर जाएं। गोरी, क्या वो उल्लू मान जाएंगे तुम्हारी बात? मानेंगे क्यों नहीं, मैंने उन्हें कई बार चोरी का माल खिलाया है, और वैसे भी वो तो मेरी तरह है ही शैतान। फिर तो शैतान शैतान की बात जरूर मानेगा। एक लगाऊंगी चौंच अगर मुझे फिर शैतान कहा तो। चलो अब मेरे साथ, शाम को जल्दी घर वापस भी आना है, फिर शाम को हम उस चिड़िया की फसल को बर्बाद होते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उल्लू के पास चले जाते हैं। गोरी जी, आज कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों बाद चक्कर लगा है। वो उल्लू जी, बात ये है कि मैंने तुम्हें हमेशा चोरी का माल खिलाया है, तो आज मुझे भी आपसे काम पड़ गया है एक। बोलो बोलो गोरी, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। काम ये है कि एक चिड़िया है मेरे जंगल में, उसकी गेहूं की फसल हमारी गेहूं की फसल से ज्यादा अच्छी है, और तुम तो जानते हो कि अच्छी तो सिर्फ गोरी है इस पूरे जंगल में, और वो तो मुझे एक आंख भी नहीं भाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने गुंडों के साथ आएं और उसकी पूरी फसल को बेकार कर जाएं। ये काम मेरे लिए बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे पक्षी ने देख लिया तो फिर?
कौन देखेगा तुम्हें, क्योंकि आधी रात को तो पेड़ के पत्ते भी सोए हुए होते हैं। लेकिन हाँ, मैं तो देखूंगी, क्योंकि उस चिड़िया की फसल को बर्बाद होते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। तो फिर समझ लो तुम्हारा काम हो गया। देखा कालू जी, मेरे संबंध ऊंचे पक्षियों से है, कैसे मेरी बात मान ली उल्लू भाई ने। परंतु ध्यान से करना ये सब, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई देख ले। फिर गोरी और कालू अपने घर लौटते हैं। देखो तो आसमान पर सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। रानू, ये सितारे भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे हमारी गेहूं की फसल। मम्मा मम्मा, क्या आप सितारे गिन सकती हैं? हाँ कुकू, मैं गिन सकती हूँ, क्या गिनकर दिखाऊं? दिखाओ ना मम्मा, मैंने तो कई बार कोशिश की है लेकिन मैं भूल जाता हूँ। आसमान के सारे सितारे एक तरफ और जमीन पर मेरा कुकू एक तरफ, सबके बराबर है और तुम एक ही हो। लो गिन लिए, मेरा सितारा तो एक ही है और वो है मेरा कुकू बेटा। गेहूं की फसल तो पककर तैयार थी, इसलिए चिड़िया का पूरा परिवार अपनी फसल पर नजर रखता था और इसीलिए वो एक ऊंची जगह पर लेटकर अपनी फसल पर नजर रखते थे। वो सब बहुत खुश थे और फिर गहरी रात हो जाती है। रानू और कुकू, आप दोनों सो जाओ, अभी मैं जाग रहा हूँ। जब मुझे नींद आएगी तब मैं तुम दोनों को जगा दूंगा। परंतु पापा, मुझे तो नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं और मैं जाग लेता हूँ। फिर कुकू का पापा और कुकू की मम्मा सो जाती है और कुकू अपनी फसल पर नजर रखता है। गोरी, अब तो रात के 12 बजने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया वो उल्लू। वो अपने वचन के पक्के हैं, तुम देखना अभी वो आने ही वाले होंगे। वो जो सामने दिखाई दे रही है वो है उस चिड़िया की फसल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी दोस्त गोरी कॉबी की फसल ही बर्बाद कर दो। और हाँ, अगर तुम्हें कोई देख ले तो तुम वहाँ से तुरंत ही भाग जाना, पीछे मुड़कर भी मत देखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें पहचान ले। वो उल्लू चिड़िया की फसल से थोड़ी दूर बैठकर ऐसे सलाह करते हैं। चलो अब सब और बर्बाद कर दो उस चिड़िया की फसल को। फिर वो उल्लू अपने दोस्तों के साथ चिड़िया के खेत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वो उल्लू ये नहीं जानता था कि आज तो चिड़िया पूरे अपने परिवार के साथ खेत पर ही सोई हुई थी। ये कौन हो सकता है, इस समय हमारे खेत की तरफ कौन बढ़ रहा है? मुझे जल्दी से पापा को जगाना होगा। और फिर कुकू अपने पापा को आवाज देता है। पापा पापा, मम्मा मम्मा, जल्दी उठो, देखो कोई हमारी फसल की तरफ बढ़ रहा है। फिर कुकू के मम्मी पापा भी जाग जाते हैं। हे भगवान, ये तो कोई चोर लग रहा है। तुम हौसला करो, पहले ने थोड़ा पास आने दो, फिर मैं आवाज लगाता हूँ। फिर जैसे ही वो तीनों उनके खेत में आते हैं तो कुकू का पापा वहाँ पास में रखे हुए पत्थर उनमें फेंक फेंक कर मारता है और कुकू और कुकू की मम्मा शोर मचाते हैं। चोर चोर, पकड़ो इन्हें, कोई जल्दी से पकड़ो इन्हें। ये क्या, गोरी ने ये बात तो हमें बताई नहीं कि वो चिड़िया अपने खेत की रखवाली भी करती है। अब भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें पत्थर फेंक फेंक कर ही मार देंगे। और फिर वो उल्लू अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। भागो जल्दी से यहाँ से, भागो चोर कहीं के, नहीं तो मैं बंदूक भी चला सकता हूँ, जल्दी से भागो यहाँ से। ये सुनकर तो वो उल्लू और उसके दोस्त और तेज तेज भागने लगते हैं। सुनिए जी, आखिर ये कौन हो सकते हैं? कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने के लिए आए थे, तुम मुझे थोड़ा पानी दो। फिर वो सभी बाकी की रात को जागकर ही गुजारते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। कालू जी,
कालू जी उठो, मुझे तो नींद आ गई थी, मैं तो देख ही नहीं सकी उस चिड़िया की बर्बादी को। अब चलो चलकर देखते हैं कि वो चिड़िया कैसे रो रही होगी। और फिर गोरी और कालू चिड़िया की फसल की तरफ जाते हैं। गोरी, ये क्या, चिड़िया की फसल तो बिल्कुल सही खड़ी है, इसे तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है, वो उल्लू तो बचन का पक्का है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गईं। चिड़िया, क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है? गोरी बहन, आज रात हमारे खेत में कुछ चोर घुस आए थे, वो तो कुकू जाग रहा था इसलिए उसने देख लिए और फिर उसने हमें भी जगा दिया, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता, हमारी पूरी साल की मेहनत है। तो फिर मेरे दोस्त आए तो थे? क्या कहा गोरी बहन जी? कुछ नहीं चिड़िया, मैंने कुछ नहीं कहा। गोरी बहन, आज से आप भी अपने खेत का ख्याल रखना, कुकू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों चोर पकी हुई फसल को चुरा लेते हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखा कालू जी, मेरे दोस्त बादे के तो पक्के हैं, वो आए थे, लेकिन उस छोटे से कुकू ने हमारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया और उन्हें भगा दिया। कालू जी मेरे सुंदर पति, अब तुम ही कुछ कर सकते हो, मैं तो ही नाकाम, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कोई ना कोई उपाय निकालो। गोरी जी, ऐसे प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात, कितनी सुंदर चोंच है मेरे पति की और आंखें तो उससे भी ज्यादा, अब बताओ क्या सोचा है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। गोरी, मैं आज रात चुपके से आऊंगा और चिड़िया की फसल में आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और रानू रोती फिरेगी और मेरे पास आएगी गेहूं के दाने मांगने। मैं तो कहती हूँ कितनी जल्दी रात हो जाए, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। मम्मा मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब शुरू होगी? कुकु बेटा, आपके पापा खेत पर ही हैं, आज वो देख लेंगे कि फसल अच्छे से तैयार हुई है या फिर नहीं, फिर दो दिन बाद फसल कटना शुरू हो जाएगी। कुकु बेटा, अब तुम सो जाओ क्योंकि आज रात हमें फिर से अपने खेत पर जाना है। फिर वो दोनों माँ बेटे सो जाते हैं और फिर रात भी हो जाती है। फिर वो सभी अपने खेत पर फिर से अपने खेत की रखवाली के लिए पहुँच जाते हैं। कुकू के पापा, आप सो जाओ क्योंकि मैं और कुकू तो दोपहर में सो लिए थे, इसलिए हम खेत की रखवाली कर लेते हैं। फिर कुकू का पापा सो जाता है। कालू जी, आग हम खेत में जाकर ही सुलगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया का कुकू आज फिर से जाग रहा हो, अगर उसने आज हमें देख लिया तो वो फिर से शोर मचा देगा। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी गुस्से की आग में अंधे होकर रानू चिड़िया की फसल को जलाने आते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह छिपते छिपाते चिड़िया की फसल में आ जाते हैं। कालू, अब जरा ध्यान से आग जलाना। लेकिन चिड़िया के अलावा उसकी खेत की रखवाली तो कोई और भी कर रहा था, वो तो उसके भगवान। तभी अचानक से आसमान में एक काला बादल आ जाता है। कालू ने अभी आग जलाई थी कि तभी उनके ऊपर तेज बारिश हो जाती है और आग बुझ जाती है। आज तो चिड़िया और कुकू भी सो गए थे। कालू, ये कैसा चमत्कार है, ये बारिश इधर उधर तो हो नहीं रही, बस इसे हमारे ऊपर होना था। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी बादल के कड़कने की आवाज आती है। वहीं पास में गोरी कौबी के खेत में जोर से बिजली कड़कती है जिसकी वजह से उसकी फसल में आग लग जाती है। बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर चिड़िया का परिवार भी जाग जाता है। अरे ये क्या, बादल तो बिल्कुल साफ है, फिर ये बिजली के कड़कने की आवाज कैसे?
अरे ये क्या, गोरी के खेत में तो आग लगी हुई है। इस तरह गोरी कौवी और कालू कौवा को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राजू कौवा किसकी बात नहीं मानता था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।